कैसे हो? सब मजे में होंगे। तो आज मैं आपको किचन टिप्स ऐसी बताऊंगी जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए किचन टिप्स बनाना शुरू करते हैं। जब भी हमें कोई सब्जी समझ में नहीं आती या खाने का मन नहीं करता और मौसम चेंज होता है तो सब्जियां भी उस समय नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए? ये मैंने हरी चटनी ली है। ये हरे धनिया की चटनी है और ये गेहूं का आटा है। इसमें मैंने सभी मसाले डाल दिए जो मैं खाना पसंद करती हूँ। मैंने जीरा, नमक, मिर्ची, हींग, जो भी आप पसंद करते हो वो इसमें डाल सकते हो। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो बारीक काट के, हरी मिर्ची भी डाल सकते हो और सिंपल भी बना सकते हो। तो मैंने हरी चटनी ली है, ये हरे धनिया की चटनी है, इसे डाल देंगे और आटा लगा लेंगे। और फिर इसकी या तो पूरी भी बना सकते हैं और पराठे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बना के टिफिन में भी दे सकते हैं, वो मना भी नहीं करेंगे खाने के लिए। तो इस तरह से आप जरूर ट्राई कीजिए। चावल में जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं, तो नहीं पड़े इसके लिए हमें मैंने नमक लिया है। और इसे किस तरह से रखना चाहिए, और इसमें ये सादा नमक है, इसे मिक्स कर ले, इस तरह से मिक्स कर ले और फिर डिब्बे में पैक करके रख देंगे तो इससे कीड़े नहीं पड़ेंगे। जब भी हम बाजार से इमली लाते हैं तो थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं तो वो थोड़े दिन में खराब होने लग जाती है। तो ज्यादा दिन तक, जैसे 1 साल तक स्टोर करने के लिए हमें इमली के नीचे डब्बे में इस तरह से नमक फैला दे और फिर इसके ऊपर भी नमक डाल दे, तो इससे इमली ज्यादा दिन तक खराब नहीं होगी, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दे। जब भी हम नमकीन पराठे बनाते हैं, जैसे मैंने लौकी ली है, थोड़ी सी मैंने खीरा ककड़ी ले ली है, एक प्याज लिया है, इसमें एक टमाटर लिया है, एक हरी मिर्ची ली है और हरा धनिया लिया है, जो भी आप इसमें वेजी डाल सकते हो वह इसमें डाल सकते हो। मैंने यही चीजें डाली है और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप बेसन डाल दूंगी, इससे पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही दही डाल देंगे, 2 चम्मच दही डाल देंगे और ये सब्जियां डाल देंगे। पहले तो इसी से आटा लगाए, इसमें पानी की आवश्यकता हो तो ही पानी डालें। अब इसमें मसाले डाल देंगे, पानी की आवश्यकता हो तभी डालें, नहीं तो नहीं डालें। इससे आ जाएगा, इससे का पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़े तो 1 चम्मच दही और डाल लें। तो इस तरह से अगर हम वेजिटेबल पराठा बनाएंगे तो बड़े स्वादिष्ट लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे। इस तरह से आटा लग जाएगा, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ता है, लौकी भी पानी छोड़ती है और खीरा ककड़ी भी पानी छोड़ता है, तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर पड़ भी जाए तो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला। अब इसके हम पराठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। जिन्हें टमाटर काटने में दिक्कत आती है, मैं उनको ये बता रही हूँ कि 1 साइज के टमाटर किस तरह से काटें सलाद के लिए। ये मैंने 2 फोर्क लिए हैं, इन्हें मैं इस तरह से रख दूंगी। जिन्हें काटना आता है वो तो आराम से काट ही लेते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं काटना आता है, उन्हें काटने में दिक्कत आती है, तो वो इस तरह से काटे। जो फोक के बीच के हैं इस तरह से रख लूंगी मैं, 1 साइज के भी कटेंगे। देखिए 1 साइज के कट गए हैं, तो इस तरह से वो काट सकते हैं। If you like this video, then thumbs up.